शिवपुरी जिले के समस्त दूध विक्रेताओं ने मिलकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके दूध का भाव अभी 40 रुपए लीटर है, जिससे उनके पशुओं के खाने का दाम भी नहीं निकल रहा है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां उन्होंने कलेक्टर से दूध की कीमत 50 रुपए लीटर करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, वहीं उन्होंने बताया कि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वह कल से हड़ताल पर भी जा सकते हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जंडेल सिंह गुर्जर, आज यहाँ पे आप इकट्ठे हुए किस बात को लेकर? इकट्ठे हुए इस बात को इकट्ठे हुए हैं कि हमारे दूध के चारा इतना महंगा हो गया कि दूध के दाम हमको 40 रुपए लीटर दिए जा रहे हैं। 40 रुपए लीटर में हमारे दूध के दाम की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जानवरों की पूर्ति नहीं हो रही है, चारे से पीना खर जो भी लाते हैं हम खरीद के, वो हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है। हम चाह रहे हैं 50 रुपए लीटर, और शहरों में 60 रुपये लीटर, 55 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर सब जगह बेच रहा है 200 ग्राम मावे का। तो जैसा अपन को मालूम है कि बाजार में तो अभी लगातार 50 रुपए लीटर की कीमत है। नहीं, बाजार में वो 50 रुपए लीटर दूध वाले दुकानदार लोग बेच रहे हैं, लेकिन आपसे 40 रुपए लीटर लिया जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि 50 रुपए लीटर हमको दिया जाए, जब चारे पानी की व्यवस्था हमारे जानवरों की हो पाएगी। आपने अभी आवेदन दिया किसी को? आवेदन में हाथ में लें खड़े हैं सब लोग, कलेक्ट्रेट साहब में ऑफिस पे खड़े हैं, कलेक्टर साहब आ जाएंगे तो उनको आवेदन देंगे और कल से हम हड़ताल जारी रखेंगे। जब तक अनिश्चित हड़ताल रहेगी हमारी, जब तक दूध के दाम नहीं बढ़ेंगे तब तक दूध शहर में नहीं लाएंगे। आप किसी प्रकार से दूध सप्लाई नहीं करोगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती पर आप आगे क्या करोगे? आगे क्या करेंगे, हड़ताल ही जारी रखेंगे और क्या करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।